मैं शॉर्ट साइटेड फार साइटेड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूज़फुल तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा, कुछ मेमोरी टिप्स बताऊंगा। आई होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल। जो आप इसमें डाटा यूज़ करेंगे वो वर्थ इट होगा। थोड़ा सा शायद लेंदी होगा बट आई थिंक वर्थ इट होगा। पहले देखते हैं ट्रिक्स में, मैं बाद में आऊँगा, पहले नॉर्मल सा कंसेप्ट। पूरी थ्योरी मैं नहीं बताऊँगा, आप लोगों ने वो पढ़ी होगी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर्स। नियर पॉइंट मीन्स जहाँ तक नॉर्मल आई उससे 25 सेंटीमीटर्स अंदर आओगे तो ब्लर्ड इमेज दिखेगी, और इन्फिनिटी से दूर तक हम देख लेते हैं। इन्फिनिटी नोशनली हम मानते हैं बहुत लंबा डिस्टेंस। सो फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर्स। सो ये आपका रेंज है, 25 से लेके इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं ठीक हेल्दी आई के लिए। लेकिन जब नियर पॉइंट दूर चला जाए, याद रखिए नियर पॉइंट दूर जाता है, फार पॉइंट पास आता है। लॉजिकल है, डिफेक्ट तभी तो होगा, इससे अंदर तो आ ही नहीं सकते नॉर्मल आई के लिए भी, तो डिफेक्ट कहाँ स्टार्ट होगा? जब ये तो आपका हो जाए इधर चला जाए और ये आपका इन्फिनिटी से अंदर आ जाए। सो ये है आपका जोन ऑफ डिफेक्ट। यहां आएगा आपका, अगर ये पॉइंट आपके इस जोन में आ गए तो डिफेक्टिव आई है। पॉइंट यहां और इंफिनिटी पे है तो आई ठीक है। अब पहले हम लेते हैं न्यूमेरिकल याद करने का तरीका और दोनों केसेस, शॉर्ट साइटेड और फार साइटेड। तो पहले शॉर्ट साइटेड कर लेते हैं। शॉर्ट साइटेड में क्या होता है, आपका फार पॉइंट अंदर आता है। शॉर्ट में फार पॉइंट कम्स अंदर, और फार साइटेड में, लॉन्ग साइटेड में आपका नियर पॉइंट चले जाता है इधर। इस आई की रेफरेंस में बता रहा हूं मैं। तो फार में आपका नियर और शॉर्ट साइटेड में आपका फार, याद करने के लिए जस्ट उल्टा, कौन सा पॉइंट हिट होता है? शॉर्ट में फार हिट होता है और फार में नियर वाला पॉइंट हिट होता है, याद करने के लिए तरीका। दूसरा याद करने का पॉइंट, और तीसरा होगा फॉर्मूला, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। आई बनाइए और आई कम शॉर्ट का मतलब आपका पास तक ऑब्जेक्ट आता रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका फार पॉइंट हिट हुआ है। इन्फिनिटी वाला जो है आपको सही नहीं दिखेगा, ये आपका जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, बहुत दूर से जो रेज आ रही हैं, वो कहाँ बनेंगी? याद करने के लिए, अंदर बनेंगी, रेटिना से पहले बन जाएंगी। शॉर्ट, याद करने का तरीका, शॉर्ट में फार पॉइंट हिट होता है और इमेज शॉर्ट ही बनती है। चलो फार पॉइंट का डायग्राम बनाते हैं। फार साइटेड में क्या होगा? फार साइटेड में नियर पॉइंट आपका हिट होगा। आपका नियर पॉइंट यहां था हेल्दी आई का, वो चला गया कहीं यहां, ठीक है। आपका ये 25 हो सकता था लेकिन आपका चला गया 35 पे। 35 से जैसे ही अंदर आ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्या बनता है यहां पे? किस जोन में मैं आ गया जहां पे मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है? कहां बनेगा इसमें आपका रे? फार पीछे चले जाइए, तो इसमें आपका इमेज बन रहा है यहां, याद करने के लिए। शॉर्ट में अंदर, फार में पीछे, फार में नियर पॉइंट हिट, शॉर्ट में फार पॉइंट हिट, जस्ट याद करने के ये तरीके बता रहा हूं। और यहां पे मैं चाहूंगा कि 25 तक देख लूं, मेरा 35 तक तो मुझे दिख रहा था, दूर से पास आता गया आता गया, 35 के जैसे अंदर आया मेरा मतलब नियर पॉइंट जो है 35 चला गया था। मेरा नियर पॉइंट मैं यहां तक देख सकता था नॉर्मल आई, लेकिन मेरा नियर पॉइंट यहां चला गया। न्यूमेरिकल करके देखते हैं, दोनों अलग अलग, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं,
लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। इनफैक्ट मैं दोनों जो है एक के बाद एक बताने चाहिए थे, पर मैं कंपैरिजन के लिए दोनों साथ बता दिया। अब फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, हमसे पूछा जाता है टेल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच इज रिक्वायर्ड। लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं आता, एकदम ऐसा नहीं आता कि इन्फिनिटी पे बनेगी या 25 पे बननी है, इन्फिनिटी पे बन रही थी, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा अगर टेढ़ा क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको जो याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं, आप लिखिए कैन सी इनटू वांट टू सी अपॉन कैन सी माइनस वांट टू सी। दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, और कैन पहले लिखना है, वांट बाद में लिखना है। मैं आज हूं, आई कैन डू इट, बट आई वांट टू डू इट फ्यूचर में चला जाएगा ना, फ्यूचर मतलब बाद में। सो कैन पहले, वांट बाद में, याद करने का तरीका। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट साइटेड मतलब फार पॉइंट मेरा अंदर आ गया है। फार पॉइंट से हम लेते हैं इंफिनिटी पे हेल्दी आई को दिखता था, लेकिन इसको जो है 400 सेंटीमीटर इसका आ गया, फार पॉइंट यहां आ गया है। 400 सेंटीमीटर तक ये सही देख ले रहा है, इसके नियर पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शॉर्ट साइटेड है तो फार पॉइंट में प्रॉब्लम है, जो इन्फिनिटी होना चाहिए था, फार पॉइंट हमेशा अंदर आता है। 400 सेंटीमीटर हो गया, बट मेरी आई देखना चाहती है इन्फिनिटी तक, मैं यहां तक देखना चाहता हूं। सो दिस इज कैन सी एंड दिस इज आई वॉन्ट टू सी। इसमें इन्फिनिटी की जगह प्रॉब्लम ये भी दे सकते हैं, 600 सेंटीमीटर तक मैं देख चाहता हूं कि वो देख ले। मैं 600 को एक्स लिख लेता हूं, इन्फिनिटी भी हो सकता है, एक्स 600 भी हो सकता है। अब कैन सी माइनस वॉन्ट टू सी, अब कैन सी माइनस कैन सी इंटू वॉन्ट टू सी अपॉन कैन सी माइनस वॉन्ट टू सी में क्या होता है, कैन सी इज 400, वॉन्ट टू सी इज एक्स अपॉन 400 माइनस एक्स। लेट अस टेक द केस ऑफ 600 अगर दिया हुआ है, मैं 600 तक मुझे देख लेना आराम से, 400 इंटू 600, 400 माइनस 600, सो इट इज 400 इंटू 600 अपॉन माइनस 200। ये इसको सॉल्व बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपका फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसका ये वैल्यू होगा। ये सब सेंटीमीटर्स में लिए, मैंने रैंडम ऐसी नंबर ले लिए हैं, कुछ रियलिस्टिक भी नहीं हो सकता, हो सकता है रियलिस्टिक हो या ना हो, लेकिन आपका ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि आपको जो लेंस चाहिए वो कॉनकेव चाहिए। वैसे भी आप सोचिए, आपको इमेज यहां बनाना है, आपको इसको और दूर तक ले जाना है, तो जो एकदम रेज ऐसे कन्वर्ज हो रही थी मुझे थोड़ी डाइवर्ज करनी है। डाइवर्ज के लिए तो क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, सो दिस इज माय लेंस, और फॉर्मूले से भी मेरा कॉनकेव आया है। अब इस सिचुएशन में आते हैं, इसमें 35 से जैसे मैं अंदर आ रहा हूं, मेरी इमेज जो है पीछे बन जा रही है। मेरी प्रॉब्लम है फार साइटेड, मतलब मेरा नियर पॉइंट दूर चला गया है। दूर का तो मैं ठीक देख रहा था, लेकिन मैं जब पास में आता हूँ, फार साइटेड मतलब पास में प्रॉब्लम है, मेरा नियर पॉइंट जो 25 होना चाहिए था 35 पे चला गया। सो 35 के जैसे ही मैं अंदर आता हूँ मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में दिया है कि मैं चाहता हूँ कि वो 25 पे सही देखे, लेकिन वो अभी 35 पे ही सही देख पा रहा है। सो कैन सी हेयर इज 35, वॉन्ट टू सी इज 25, this is 35 minus 25, so 35 into 25 upon 10, आपका पॉजिटिव में है, means convex। वैसे भी आप देखिए, आपकी रे पीछे तक जा रही थी, लेकिन आपको यहां लानी है, तो आपको कन्वर्ज करनी है। कन्वर्ज करने के लिए क्या चाहिए, आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, तभी तो आपकी कन्वर्ज होंगी। तो फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, नोशनली भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए, कैन सी इंटू वॉन्ट टू सी अपॉन कैन सी माइनस वॉन्ट टू सी।